मॉरिसस हाजरी, जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की, जिस कौम के 50,000 उलमाए किराम ने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चुमा, जिस कौम ने इस अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने ही वतन में मातूम, वही कौम आज अपने ही मुल्क में मशकूक, वही कौम आज हाशिए पर। इसीलिए हम नौजवानान शहर कायद नस्ल नौ आसिफ शेख की कयादत में मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक में शाना बशाना शामिल है, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए आला तालीम के लिए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों के लिए। कायद जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा था, हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस इंडियन हैं। हमारे अकाबरीन ने कहा था, हम भारतीय मुसलमान यही पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे। लेकिन तुमने हमें तकसीम वतन के हंगामों में मारा, हम खामोश रहे। तुमने हमें भागलपुर, मीरत, मल्याना, गुजरात, मुंबई और मुजफ्फरनगर तक जलाया, हम खामोश रहे। तुमने हमसे रिजर्वेशन का हक छीना, हम खामोश रहे। तुमने हमारे असलाफ की तारीख को मस्क किया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशतगर्दी का झूठा कलंक लगाया, हम खामोश रहे। यकीनन हम नशीनों, इसीलिए हम कहते हैं कि आजादी आज भी तलबगार है आजादी। ऐ इख्तदार के गुलामों, हमें आजादी दो जहालत से, हमें आजादी दो गुर्बत से, हमें आजादी दो तासुब से, हमें आजादी दो करप्शन से। दोस्तों और साथियों, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारी अजमत रफ्तार के विषय है। तहरीक खिलाफत हमारी, रेशमी रुमाल हमारा, मिसाइल मैन हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी हम ही ने दिया, हम ही ने कारगिल की चोटी पर लहराया तिरंगा। हमारी रगों में नथुराम गोडसे का नहीं शहीद ने कुतुबान का खून दौड़ रहा है। लेकिन अफसोस, आजादी आज भी तलबगार है आजादी। आजादी के 70 सालों बाद भी हमारी हुकूमत वतनी पर लगा है सवालिया निशान। आजादी के 70 सालों बाद भी हम अपने ही वतन में बेहार मददगार माथे पर दहशत गर्दी का कलंक लिए फिरते हैं, हाथों में डिग्रियां लिए नौकरियां तलाश करते हैं, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाते हैं, समुद्रों का सीना चीर कर पुल तामीर करते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, गैरेजों में, होटलों में हमारे ही मेहनत कश नौजवान इस मुल्क के लिए खून पसीना सींच रहे हैं। सरहदों पर भी हम मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फैरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे, फिर भी हम 70 साल से नंगे और भूखे। कहां है आजादी अजीजों, बताओ कहां है आजादी? हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालांकि शराफत का जमाना ही नहीं है। मैं नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी, समाजी, सियासी सतह पर दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। मैं नहीं, रंगनाथ रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कौमी बैंक कर्जे नहीं देती। मैं नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आला हाउसिंग सोसाइटियों के दरवाजे बंद है। मैं नहीं, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद सिर्फ 4%, फौज और पुलिस महकमे में हमारी तादाद 3% से कम। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम लोग सिर्फ एक जगह अक्सरियत में हैं और वो है जेल की काल कोठरियां। जी हाँ जनाब, जेलों में हमारी तादाद 25%। कहाँ की आजादी, कैसी आजादी? क्या इसीलिए हमारे अज्दाद ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? कत्ल खून आम है, दहशत है यहाँ, कत्ल खून आम है, दहशत है यहाँ, कौन कहता है कि आजाद हूँ मैं? मौजस्तामीन, जब से एक चाय वाले के अच्छे दिन आए हैं इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों का दिन आ गया। कभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर डाका, कभी अजान पर पाबंदी, कभी जमीयत उलमा पर निशाना, कभी टीपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा, कभी योगा तो कभी सूर्य नमस्कार का तमाशा, कभी सोशल मीडिया पर
पर अलकायदा और दाश से रबते का बहुतान, कभी जामिया मिली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखियती किरदार पर हमला। ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर को ही असीफ सितम कर बदल गए। जनाब वाला लाल जहाज से घर वापसी तक, बाबरी से लेकर दादरी तक तुमने हमारी आजादी 100 बार छीनी। मुस्लिम दरवेशन फेडरेशन की मालेगांव तक मुंबई 300 किलोमीटर की आबला पाई पर मिलने वाले 5% रिजर्वेशन को तुमने छीन लिया। मेडिकल एंट्रेंस में 70% हासिल करने वाली मालेगांव के तालबात को MBBS के दाखिले से महरूम कर दिया गया। 50% वालों को रिजर्वेशन की बुनियाद पर दाखिला दे दिया गया। हम कब तक खामोश है? साबका सरकार की जारी करता स्कॉलरशिप स्कीमों पर सब घूम मारा गया। हम कब तक खामोश है? क्या इसी का नाम है आजादी? अफसोस सर अफसोस, आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क भुखमरी से आजाद नहीं हो सका।